रंग लाई विपक्ष नेता नगरसेवक अशरफ पठान की मेहनत। मुंबई उच्च न्यायालय ने सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रत्यक्ष महासभा के लिए बनाए नीति वरना हम देंगे आदेश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लगभग एक साल का समय होने आया है, ठाणे मनपा की एक भी महासभा नहीं हुई है। इंटरनेट वेबिनार के जरिए नगर सेवकों की महासभा ली जाती है, मगर कहीं पर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, कहीं पर जो है आवाज नहीं जा रही है। ऐसे कई कारणों की वजह से नगर सेवक अपने मुद्दे नहीं रख पा रहे थे, अपने प्रभागों की समस्याओं को जो है वो प्रशासन के सामने लाकर प्रशासन से उस पर जवाब तलबी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार इसके लिए विपक्ष नेता पद का भार संभालते ही मुमरा के नगर सेवक अशरफ पठान ने आवाज उठाई और सीधे मुंबई उच्च न्यायालय में इस पर एक याचिका दायर की। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद, यह सुनवाई 15 फरवरी सोमवार को ही हुई है, और इस सुनवाई के दौरान नगर सेवक अशरफ पठान की ओर से उनके वकील ने मुद्दे रखे कि जब संसद का काम चल सकता है, विधानसभा विधान परिषद का काम चल सकता है, बड़े बड़े फंक्शन हो सकते हैं, बड़े बड़े समारोह हो सकते हैं, तो मनपा की सभा क्यों नहीं हो सकती है। आवश्यक खबरदारी उपाय योजना इन सबको अमल में लाते हुए ये महासभा ली जानी चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों के काम इसकी वजह से रुक रहे हैं, नगर सेवकों के अपने प्रभागों के कई काम रुक रहे हैं। ऐसे ठोस मुद्दों के साथ उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय का ध्यान इस तमाम मुद्दों के ऊपर इस याचिका के जरिए आकर्षित किया। इसका संज्ञान लेते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की बेंच ने आखिरकार राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सभी मनपा यानी महाराष्ट्र की जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं उनकी महासभा लेने के लिए अब एक नीति राज्य सरकार बनाए, और राज्य सरकार अगर 23 फरवरी तक इस पर अपनी नीति नहीं बनाती है तो हम खुद इस पर आदेश पारित करेंगे। तो इस तरह से लोगों के जो काम रुके हुए थे, अपने अपने इलाके मोहल्लों के जो उनके चुने हुए नगर सेवकों को करने होते हैं, उनके लिए एक बड़ा रास्ता विपक्ष नेता की जिम्मेदारी निभाते हुए नगर सेवक अशरफ पठान ने इस याचिका के जरिए खोला है। आपने जो है पिटीशन डाली थी महासभा के संदर्भ में, आज जजमेंट हुआ है, उसका क्या जजमेंट हुआ है और किस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया? हमने महासभा सभागृह में या दूसरे हॉलों में गटकरी रंगतन जब महापालिका की कोई दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें होने के लिए हमने पिटीशन डाला था, क्योंकि नगर सेवकों के प्रश्न और लोगों थाने के जो जनता उसके प्रश्न बराबर से सॉल्व नहीं हो रहे थे। उनके प्रश्न की जो सवाल नगर सेवक करता है महासभा में, ऐसी पारदर्शिता ऑनलाइन में नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आज हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से कोई एक आदेश दिया है कि 23 तारीख तक जब विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा शुरू है, थाना में कोई कंटेम जोन नहीं है, तो महासभा क्यों नहीं शुरू की गई है? ऐसा एक निर्देश दिया है कि 23 तारीख तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो परमिट है महासभा देने की वो लागू करे, और अगर गवर्नमेंट ने अगर ये आदेश नहीं दिया 23 तारीख तक तो माननीय हाईकोर्ट महासभा सभागृह में या कोई दूसरे पर्याय जगह पे चालू करने का, थाने महानगर पालिका ही नहीं महाराष्ट्र की जितनी भी महानगर पालिका है उनको सभागृह में चालू करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट देने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनसे मतलब हमारे जरिए हमने ये भी कहा था कि माननीय महापौर का भी ऐसा पत्र है कि लेना चाहिए, तो माननीय हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जब महापौर महोदय का भी माननीय महापौर का भी ये पॉजिटिव रिजल्ट है कि सभागृह के अंदर सभा लेने चाहिए या दूसरी जगहों पे, तो फिर ऐसे में आप निर्णय लेना जरूरी है। इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 23 तारीख तक अगर आपने परमिट का महासभा का आदेश नहीं दिया तो फिर हम खुद देंगे। सर, वेबिनार महासभा में बहुत सारी कठिनाई आती थी, क्या क्या कठिनाई आती थी और प्रत्यक्ष महासभा में क्या क्या प्रश्न होंगे? देखिए, ऑनलाइन महासभा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवाज का बहुत प्रॉब्लम था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। दूसरी बात, लोगों के प्रश्न सभी जो सदस्य वो नहीं मान पा रहे थे और मिनट्स नहीं हो पा रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल और उनके जवाब जो थाने की जनता के जो नगर सेवक सदस्य
लोक प्रतिनिधि चुनके इसी नहीं आता है कि वो अपने प्रभाग अपने क्षेत्र का की समस्या को सभागृह में उठा के उसका सवाल का जवाब ले सके और लोगों का समाधान कर सके। ये पिछले कई टाइम से ऐसा कोई भी समाधान जो सामान्य सदस्य उनके नहीं हो पा रहे थे और बहुत से सदस्यों की शिकायत थी, लेकिन कोविड की महामारी की वजह से सारी दुनिया के अंदर ऐसा माहौल था तो ऐसे में ठीक है नहीं हो रही थी, लेकिन जब बाकी राज्यसभा लोकसभा विधानसभा ये सारी सभाएं शुरू हो गई तो हमारा सवाल यही था कि क्या कोविड सिर्फ महासभा नगर सेवकों के लिए? तो ऐसे में सारी गाइडलाइंस को लेते हैं माननीय हाईकोर्ट ने आज इस आदेश दिया है कि 23 तारीख तक महानगर पालिका को सभागृह के अंदर या कोई दूसरी रटकरी रंगतन या जो भी ऐसे फिजिकल महासभा लेना चाहिए, और अगर ऐसे में उन्होंने परमिट नहीं दिया तो इसका निर्देश आदेश माननीय हाईकोर्ट देगी। क्या लगता है शानू जी, आज आने वाली महासभा कब है और इस महासभा में अर्थ संकल्प का बजट जो है पेश किया गया था कुछ 450-450 करोड़ का, उसके बारे में भी बातचीत बड़ी हो सकती है और आने की समस्या है उसके बारे में बातचीत हो सकती है? देखिए, महासभा जब फिजिकल शुरू होगी तभी ये 450 करोड़ से लेकर सभी चीजों पे सामान्य सदस्य अपना जो जो अपने सवाल है और जो उनको उनकी जो आशंका है जो उनके प्रश्न है वो थाने की जनता के सामने ला सकते हैं। ऑनलाइन सभा के अंदर सभी जो सवाल है और सदस्य की जो शिकायत है उनका समाधान नहीं हो पा रहा है।